करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। आज हल्द्वानी दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी यहां शामिल होने वाले हैं सीएम। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। पुल निर्माण उद्घाटन कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे आज सीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं और यहां पर तमाम कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आज तमाम कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के। बिल्कुल चारों रोज की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10:30 बजे तक शासकीय कार को निपटाया। उसके बाद जीटीसी हेलीपैड से शासकीय हेलीकॉप्टर से वो हल्द्वानी 11 बजे करीब वो पहुँच चुके हैं और अभी कुछ देर बाद वो हल्द्वानी में मुक्त विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद करीब 1:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी वर्चुअल बैठक प्रस्तावित है, जिसमें वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो उत्तराखंड में पुल बनाए गए हैं उनका वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार मेले में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही व्यापार मंडल के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और आगामी 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी में होने वाली रैली को लेकर भी निरीक्षण करेंगे। रैली स्थल पर जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 30 तारीख को जनसंबोधन होगा। जनता को और स्थानीय प्रशासन से भी बातचीत करेंगे, रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को टिप्स देंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और पूरा प्रयास यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आएँ। तो आज का ये मोटा मोटा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। करीब 4 बजे हल्द्वानी से वो रवाना होंगे और शासकीय हेलीकॉप्टर से वो सीधे देहरादून पहुंचेंगे और 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। उसके बाद वो शासकीय कार्य में व्यस्त रहेंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जी आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।